में जज की सड़क पर मौत के ठीक एक दिन बाद यूपी के कौशाम्बी में एक जज के साथ सरेआम हादसा हो गया। एक कार ने एडीजी की कार को टक्कर मार दी। हादसे में एडीजी और उनके गनर घायल हो गए। एडीजी ने इस मामले में उनकी हत्या की कोशिश की आशंका जताकर केस दर्ज कराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ये तय करेगा कि निचली अदालतों में तैनात जज किसी बिना डर के काम कर सके। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत की झकझोर देने वाली खबर से लोग उबरे भी नहीं थे कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जो कुछ हुआ उससे सनसनी फैल गई। बताया गया कि प्रयागराज से लौटते वक्त फतेजपुर के पॉक्सो कोर्ट में तैनात एडीजे अहमद खान की गाड़ी को एक इनोवा कार ने टक्कर मार दी। यह हादसा कोखराज के पास हुआ। हादसे में एडीजे अहमद खान और उनका गनर घायल हो गया। जिस कार ने एडीजे की गाड़ी को टक्कर मारी उसका ड्राइवर भी घायल हो गया। इस हादसे के बाद एडीजे अहमद खान ने हत्या की कोशिश का अंदेशा जताते हुए कोखराज थाने में एफआईआर दर्ज कराई। बताया गया कि जिस वक्त एडीजे खान बरेली में तैनात थे उस वक्त उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोखराज पुलिस ने जांच तेज कर दी है। हालांकि पुलिस ने अब तक की जाँच के आधार पर इसे सड़क पर दो वाहनों की टक्कर का मामला ही बताया है। इनके गाड़ी में टक्कर हो गया जिससे उनकी कुछ गाड़ी डैमेज, पिछला पोर्शन कुछ डैमेज हो गया था और राइट साइड का गेट साइड का। तो पहले जज साहब ने उसे कुछ बनवाने की बात कही, पैसे लेन देन की, और बाद में जो है उसने मना कर दिया। उसने कहा मैं गाड़ी बनवा दूंगा, बात नहीं बनी। तो जज साहब उसी चौराहे से जो एक एप्लीकेशन लिख कर थी कि इन्होंने जान से मारने की नीयत से जो है मेरे ऊपर गाड़ी से टक्कर की मारा। पहली नज़र में पुलिस इसे तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा मान रही है, लेकिन इस मामले की जांच अभी जारी है। क्योंकि एक दिन पहले ही धनबाद में सड़क पर ही एक जज की मौत हो गई और हादसे की तस्वीरें किसी साजिश की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दी, इसलिए इस मामले में जबरदस्त हलचलें शुरू हो गयी। धनबाद मामले में सियासत तो हो ही रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद से ही संज्ञान ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की निचली अदालतों में कानून व्यवस्था को लेकर स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमणा ने कहा कि वो अदालत के बाहर और अदालत परिसर के अंदर जजों की सुरक्षा को लेकर मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट यह निश्चित करेगा कि निचली अदालत में जज बिना किसी भय के काम कर पाए। जस्टिस रमणा ने कहा कि देश भर से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां निचली अदालतों में जज सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट की चिंता को बेवजह नहीं कहा जा सकता। धनबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में एक ऑटो सुबह की सैर के लिए निकले जज को ठोकर मारकर भागता दिखता है। इस तस्वीर से सड़क के किनारे चल रहे जज को पीछे से निशाना बनाया जाने का शक तो होता ही है, लेकिन अब इसमें साजिश का एक और सुराग दिखा है। जज को ऑटो के टक्कर मारने से ठीक पहले सड़क की दूसरी तरफ से एक बाइक सवार गुजरता दिखा, जो चलती बाइक से दूर से ही सिर घुमाकर जज की तरफ देखता नजर आया। हेलमेट पहना यह शख्स कुछ देर बाद सड़क के उस तरफ पहुंचा जिधर से ऑटो जज की तरफ बढ़ रहा था, और जैसे ही ऑटो जज को टक्कर मारकर भागा सीसीटीवी कैमरे में ये बाइक सवार भी कैद हो गया। ये बाइक सवार हादसे को देखने के बावजूद न तो घायल जज की मदद के लिए रुका और न ही इसने ऑटो वाले को ही पकड़ने की कोशिश की। जज उत्तम आनंद जहां गिरे थे उससे आगे बढ़ने के बाद यह शख्स सिर घुमाकर उनकी तरफ देखता नजर आया। सवाल उठता है कि क्या ये बाइक वाला भी इस पूरी साजिश में शामिल था। पुलिस ने अब इस एंगल से भी पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि चोरी का ऑटो और उस पर वाकये के वक्त मौजूद दो लोग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बता रहे। डिफरेंट बिंदुओं पर अभी हमारा अनुसंधान चल रहा है। कोई भी ऐसा ठोस चीज आएगा अनुसंधान के क्रम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जज उत्तम आनंद की मौत से उनके परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार वालों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग तो की ही है, साथ ही इस पूरी घटना की सीबीआई जांच की भी मांग की है। सीबीआई जांच को वो जो है सो चीफ जस्टिस जो है सो अपने खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वही जो है सो जो भी करेंगे मैं उस पर पूरा विश्वास रखता हूँ। जज की मौत का ये मामला सामने आया तो कई तरह की हलचल दिखी। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया। मामले के तूल पकड़ते ही राज्य सरकार ने भी जांच के लिए एसआईटी बना दी। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी फोन कर पूरे मामले की जानकारी ली। झारखंड स्टेट बार काउंसिल से जुड़े वकीलों ने भी आज काम का बहिष्कार किया। जाहिर है इस पूरे मामले में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार निशाने पर आ गई।
मौका मिला तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और झारखंड सरकार के खिलाफ धनबाद में प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि वीआईपी इलाके में हादसे के बावजूद एक घंटे से ज्यादा वक्त तक कोई घायल जज को देखने तक नहीं पहुंचा। कि वो ऐसा इलाका है जहां पर पुलिस को पेट्रोलिंग करना चाहिए, इसमें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पहले से कोई प्री प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया है, और इसलिए आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट ने भी या सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद जो बातें सामने आई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की और पूरे मामले को जांच किया, हम सब लोगों ने भी कहा है कि भाई इसकी तो जांच सीबीआई से होनी चाहिए। धनबाद में जज की मौत हत्या है या हादसा, इसका पता तो जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा, लेकिन इस मामले ने राज्य के कानून व्यवस्था की पोल तो खोल ही दी। जिस इलाके में जजों के घर हैं, वहां पुलिस के ऐसे लचर इंतजाम पर यकीन करना मुश्किल है। जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त है। जज बिना डरे फैसला सुना सके, इसके लिए ऐसे मामलों में सही जांच और सख्त कार्रवाई की जरूरत तो है ही। उत्तम आनंद जिस तरह के मामलों की सुनवाई कर रहे थे, उसके बाद उनकी सुरक्षा में कोताही भविष्य के लिए सबक है।